ये जो आज अचानक से क्रांति की नई शुरुआत हो रही है कि पूरे बॉलीवुड की जांच होनी चाहिए, क्या महाराष्ट्र में पहले किसी सरकार को यह नहीं पता कि बॉलीवुड में क्या कुछ होता है पर्दे के पीछे? क्या महाराष्ट्र की पुलिस को यह पहले से नहीं पता कि अगर ड्रग कार्टेल है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल है? क्या महाराष्ट्र में एनसीबी को यह पहले से इल्म नहीं है कि ड्रग्स आती हैं तो कहां से आती हैं, उसका पैसा जाता है तो कहां जाता है, जिसका जिक्र अभी ममता काले कर रही थी कि अल्टीमेटली वो आतंकवाद में मददगार होता है? क्या सरकारों को इस बात की इल्म पहले से नहीं थी? और अगर थी तो जांच क्यों नहीं हुई? और अगर आज हो रही है तो क्या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भाई पहले तो हुई नहीं तो अब क्यों कर रहे हो, मत करो? रोहित, इस मामले के दो पहलू हैं जी। पहला पहलू तो यह है कि ड्रग के मामले में महाराष्ट्र के अंदर चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, वहां कभी कोई बड़ा ड्रग कार्टेल का कोई कोई हीरो आज तक पकड़ा नहीं गया, कोई नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं। मामूली ड्रग पेडलर्स को ही पकड़ा गया है और एनसीबी के रहने के बावजूद पकड़ा गया है, क्योंकि बड़े को पकड़ने की हिम्मत ना बीजेपी की सरकार में है, ना कांग्रेस की सरकार में है, ना शिवसेना की सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है और ना पकड़े जाते हैं। इसलिए ये बहस अपने आप में बेकार है। कुछ कुछ ड्रग पेडलर्स को पकड़ के उसके बाद साबित कर देंगे कि देखिए हमने ड्रग पे बड़ा भारी काम कर दिया है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पूरी की पूरी जांच हो रही है और हम लोग जो इस पर बहस कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, मैं बीजेपी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कृपया जस्टिस फॉर सुशांत मत करिए, क्योंकि एनसीबी अब ये साबित करने में लग गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। अगर आप एनसीबी की रिमांड कॉपी देखेंगे तो पैरा नंबर 13 में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया है कि जितने लोग ड्रग में अरेस्ट हुए वो सारे के सारे लोग जब सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दिलाते थे और वो ड्रग कंज्यूम करते थे। अगर किसी के घर पे, किसी के फॉर्म हाउस पे अगर आप छापे मारेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे छापे मारेंगे, उसके फॉर्म हाउस छापे मारेंगे, वहां से अगर आप सबूत इकट्ठा करेंगे कि वहां ड्रग की पार्टियां हुआ करती थी, तो फॉर्म हाउस किसका था? सुशांत सिंह राजपूत का फॉर्म हाउस था। तो दरअसल कोशिश सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की नहीं है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत को खलनायक बनाने की है। और यह इस पूरे पहलू का सबसे दुखद है। आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो रिमांड कॉपी है वो कह देती है ड्रग कंज्यूम करते थे, उनके फार्म हाउस छापे मार रहे। तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात हो रही है, लेकिन अब मसला फिर वही आ जाता है जो सपड़ा जी से मैंने सवाल पूछा था, और बीजेपी इसको जस्टिस पर न्याय की बात नहीं। नहीं सर, अब मसला फिर वही आ जाता है, रिमांड कॉपी में वो लिखा जो रिया ने पूछताछ के दौरान बताया, वो कोई जज का लिखाया हुआ फैसला नहीं, वो केवल रिमांड कॉपी है। लेकिन अगर आप रिमांड कॉपी को भगवत गीता मानते हैं सर, और आपको लगता है इसी में जो लिखा है वही सत्य है, अटल सत्य, तो फिर तो जो रिमांड कॉपी लिखेगी उमर खालिद की मुझे उम्मीद है उसको भी आप मान लेंगे एज इट इज, उसके आधार पे फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि दिल्ली पुलिस फंसा रही है उसको? रोहित, अगर आप रिमांड कॉपी को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ा मैंने, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ये कहा है, और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी सेंटेंस है पैराग्राफ 13 का, मैं आ सकता हूं क्या? एनसीबी कंक्लूड करती है, और एनसीबी कंक्लूड करती है, और कंक्लूड करके कहती है एक बड़ा सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को पर्दाफाश करने के लिए जरूरी है कि रिया की कस्टडी जो है वो जुडिशियल कस्टडी मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर जो बयान दिए गए उसके आधार पर वो निष्कर्ष पर निकले हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन, जाहिर सी बात अपना इन्वेस्टिगेशन भी किया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए गए हैं, वो लोग आज सुशांत सिंह राजपूत को ट्रक के ममता काले आपकी बात का जवाब दे रही है, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। ममता काले पहले दिन से सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वो आपकी बात का जवाब दे रही है। सुशांत के लिए मिरांडा ड्रग खरीदता था, सुशांत के लिए सुशांत के फॉर्म हाउस पे छापे पड़ रहे हैं, आशुतोष जी पार्टी हो रही थी, ममता आपकी बात का जवाब दे रही है। आशुतोष जी समझ गए आपकी बात, ममता जवाब दे रही है, वो पहले दिन से सुशांत के पक्ष में खड़ी है। बोलिए ममता जी, क्या कहती हैं आप? फिर गौरव आपके पास आ ठीक है सर, रोहित जी ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। आशुतोष जी बोलने दीजिए थोड़ा, बोलिए ममता, ममता जी आप बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए जहां तक आशुतोष जी ने ये बात बोली है कि ये लड़ाई जो है इस पार्टी ने करी, एक्स पार्टी ने, वाई पार्टी ने करी, ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो लड़ाई थी वो जनता ने मुहिम चलाई थी, और जनता ने मुहिम क्यों चलाई थी आशुतोष जी, मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, जब बड़े लंबे अंतराल तक मुंबई की और महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने वहां पर FIR लॉन्च नहीं करी, और 15 मिनट के अंदर सरकार के गृह मंत्री और पुलिस आकर के बोलती है कि ये आत्महत्या है, जबकि उस केस के पीछे
पूरी तरीके से आत्महत्या के एक एक सुराग वहां पर उपस्थित है, एक एक फैक्ट तथ्य उपस्थित है। उसके बाद जनता को लगा कि सरकार जो है वहां की न्याय नहीं करने वाली है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और 40 दिन के बाद जब पिता ने वहां पर FIR करी और जनता लगातार CBI को देने के लिए केस मांगती रही, ये लड़ाई जो थी ये वहां से शुरू हुई थी। आपने जो तथ्य अपना शुरुआती दिया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, जब बिहार में FIR हुई तो उसके बाद जब बिहार की सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि CBI करवाना है, तो उसके लिए मैं केंद्र की सरकार का धन्यवाद देती हूँ कि वो तुरंत माने CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसकी अपील फिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में गई। अगर बिहार की पुलिस भी वैसा ही बर्ताव करती जैसी महाराष्ट्र की ने करी, तो उनको भी आलोचना हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की सहनी पड़ती, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती तो उनको भी सहनी पड़ती। किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट दोनों ने सेंसिटिविटी समझी केस की, पिता के दुख को समझा जी, और सारे झगड़े के बाद अगर अदालत भी ये मान लेती है कि सुशांत ड्रग एडिक्ट थे, तब क्या कीजिएगा? किसको जिम्मेदार मानिएगा? रिया को, सुशांत को, किसको? देखिए रोहित जी, दुख की बात यह है ना कि जो व्यक्ति मर के इस दुनिया में से चला गया है, अब सारा पाप आप उसके सर पे फोड़ दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अपनी पैरवी करने के लिए बचा हुआ नहीं है। अब रिया चक्रवर्ती और उसके यही तो आशुतोष ने आपसे कहा, लेकिन कि वो अपना डिफेंस करने के लिए है नहीं, अब उनके नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनके लिए न्याय मांग रहे थे, यानी कि आप नहीं। तो यहीं पर शायद आशुतोष जी को समझ में बात नहीं आ रही है। जो लोग न्याय मांग रहे हैं वो आज भी सुशांत के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे, और नार्कोटिक्स को भी का जो एंगल है उसको बस करेंगे। लेकिन आशुतोष जी, रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार और उनके जो वकील हैं मान शिंदे जी, वो लोग उस पर, और हाँ, मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार, ये एक ग्रुप है जो उसको, सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम कर रहा है उसकी मौत के बाद, और ये पूरे का पूरा जो खड़ा है उसके सर पर फोड़ रहे हैं।